तो अभी आपको बताने जा रहा हूँ प्रूफ ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर्मूला ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन स्ट्रिंग वेव फॉर टू डिफरेंट मीडिया। तो सपोज करिए ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन ये है और यहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम है, तो चूंकि मीडियम अलग अलग है इसलिए वेलोसिटी का चेंज आएगा। जब भी वेलोसिटी की चेंज होती है तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो हमें पता करना है कि ट्रांसमिटेड एनर्जी का एम्पलीट्यूड कितना है और रिफ्लेक्टेड एनर्जी का एम्पलीट्यूड कितना है। तो चलिए, अच्छा ये जहाँ पे जॉइंट है अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर ये पल्स को आगे बढ़ाएंगे, अगर पल्स इस तरीके से हो गया ऐसा ऐसा हुआ सपोज करिए आगे बढ़ गए, तो ये तो जाने वाला पल्स है। अब ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा तो उधर गया नहीं, कुछ पार्ट क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट अभी आगे और क्या हो गया ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट हो गया। इसका मतलब इस ज्वाइंट के इस साइड में दो वेव है, एक जा रहा है एक लौट रहा है और एक ट्रांसमिट होकर आगे और जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है ऐसे आया, तो 10 अभी 10 पूरी तरह से उधर गया ही नहीं, तो 10 में से मान लीजिए 5 इधर जा रहा है, अभी 5 में पीछे है तो 5 जाना है तो 2 आगे गया 3 लौट गया, अभी 5 आ भी रहा है और 3 लौट रहा है 2 आगे जा रहा है। वैसे ही है कि और ये मैं पता भी था, पल्स याद करो, जब ऐसे भगा फिक्स बाउंड्री थी ऐसे आने के बाद आगे भगाता था तो कुछ अभी रहता था इधर वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करवाता था, वही है। तो कुछ पार्ट जो आगे गया था उसकी कुछ एनर्जी आई गई या कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस ज्वाइंट पे इसको मैं एक्स बराबर जीरो मान रहा हूँ, तो इस ज्वाइंट पे आप क्या करेंगे, ज्वाइंट के जस्ट इस साइड में नेट डिस्प्लेसमेंट और ज्वाइंट के इस साइड का नेट डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो रस्सी टूट जाएगी। भाई एक्स बराबर जीरो के इधर वाला पार्टिकल्स मान लीजिए 1 mm की दूरी पे है और इधर वाला पार्टिकल 2 mm की दूरी पे है तो रस्सी ब्रेक नहीं कर जाएगी। इसका मतलब रस्सी को ब्रेक नहीं करना है तो तभी संभव है जब इधर का डिस्प्लेसमेंट और इधर का बराबर हो। तो हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट का कंटिन्यूटी, जस्ट इस साइड में रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड का डिस्प्लेसमेंट प्लस इंसिडेंट का डिस्प्लेसमेंट बराबर ट्रांसमिटेड का डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड और एकदम जरूरी है, ये इसको देखना मत कि सर ये छोटा है बड़ा है तो आप इसको बहुत बड़ा दिखाएंगे, कोई बात नहीं, ये इस साइड में बड़ा सा दिखेगा, ये एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, उस साइड का एम्पलीट्यूड बड़ा आ जाएगा क्योंकि सर दो आ रहा है, या एम्पलीट्यूड नहीं डिस्प्लेसमेंट इस साइड का बड़ा आ जाएगा, दिस इज गुड वर्ड, उस स्टैंड पर इधर का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देगा। तो वाई आर प्लस वाई आई बराबर वाई टी, हर स्टैंड पर होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा होल्ड नहीं किया तो यहाँ पर रस्सी क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, वाई आर निकालना है। तो ये इंसिडेंट का इक्वेशन था, तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन मान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट लिख लिया। भाई रिफ्लेक्टेड भी तो इसी मीडियम में है, ओमेगा के सेम रहेगा फाई नॉट तो सेम रहेगा ही, और ए आर लिख दिया, हाँ ए आर अब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की मीडियम कैसा है, इसीलिए हम उसको मैग्नीट्यूड नहीं डील कर रहे हैं। और जो ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड उसका ही क्वेश्चन लिख लिया, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस फाइव नॉट। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी चेंज तो होती नहीं है बट वेव नंबर चेंज आएगा बिकॉज ऑफ वेवलेंथ चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, अभी बराबर एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी अनचेंज, स्पीड चेंज किया वेवलेंथ चेंज कर गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x जगह पे जीरो प्लेस करेंगे क्योंकि जीरो वाले पे x जगह पे जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट क्योंकि x जीरो हो गया, तो बनेगा ए आई साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ये बन गया इंसिडेंट का डिस्प्लेसमेंट। वाई आर से x जगह पे जीरो प्लेस करिए तो कितना आएगा, ए आर साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट आ गया, वाई टी ये है x जगह पे जीरो तो क्या आएगा, ए टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इससे ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि ए आई प्लस ए आर दिस वन इज इक्वल टू ए टी, इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने लिख लिया। अब हम अगली बात करेंगे, तो इसके लिए इसे हटाता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की कंटिन्यूटी तो आपने लिख लिया,
अगला जो इक्वेशन बनेगा वो एनर्जी की कंटिन्यूटी बनेगी। अगर हम कहूँ कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जब इंसिडेंट की एनर्जी आएगी तो जो एनर्जी वो ट्रांसमिट करेगा उसी का तो एक पार्ट इधर आएगा एक पार्ट इधर जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि इंसिडेंट एनर्जी इस बाउंड्री पे जितनी इंसिडेंट एनर्जी दी जाएगी उसी का पार्ट आगे जाएगा पीछे आएगा। तो कितनी इंसिडेंट एनर्जी आई है, एनर्जी कंजर्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन कि इंसिडेंट एनर्जी जो आएगी बेसिकली वो बराबर होगी रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी की। ये हमेशा होल्ड करना चाहिए, इसका मतलब इसका एवरेज भी होल्ड करना चाहिए, तो ये भी होल्ड करना चाहिए अगर हमेशा होल्ड कर रहा है तो। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ म्यू भी। अच्छा, इसका मास पर लेंथ म्यू वन है और इसका मान लीजिए क्या है म्यू टू, हाफ म्यू वन और इसमें वेलोसिटी मान लीजिए वी वन है इसका, और इसमें जो वेव जा रही है इसकी वेलोसिटी वी टू। तो इंसिडेंट में हाफ म्यू वन वी वन म्यू भी हाफ म्यू भी ए ओमेगा, इंसिडेंट का अपलोड यही है ना, ए आई ओमेगा का स्क्वायर हाफ म्यू भी ए ओमेगा का स्क्वायर बराबर रिफ्लेक्टेड का हाफ, रिफ्लेक्टेड भी तो इसी मीडियम में है तो क्या बनेगा म्यू वन वी वन ए रिफ्लेक्टेड ओमेगा का स्क्वायर ट्रांसमिटेड हाफ, और इसका क्या है म्यू टू है कॉस, देखेंगे हाफ म्यू टू क्योंकि ट्रांसमिटेड है ना, ट्रांसमिटेड हाफ म्यू टू वी टू हाफ म्यू ये ट्रांसमिटेड ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें इस म्यू वन की जगह मैं कह सकता हूँ, म्यू वन की जगह पर आपको पता है कि टी इक्वल्स टू होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ टी इक्वल्स टू आपने पढ़ा है, सॉरी वी बराबर क्या होता है अंडर रूट टी अपान म्यू। तो म्यू बराबर क्या आएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए म्यू की जगह पे, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद टी अपान वी स्क्वायर। तो म्यू लिखेंगे टी अपान वी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे टी वन टी अपान वी वन का स्क्वायर, टेंशन हर जगह सेम होगा वैसे यहाँ पे भी टी अपान वी वन का स्क्वायर, यहाँ पे टी अपान वी टू का स्क्वायर क्योंकि स्पीड अलग अलग हो गया। अब ये टी से टी हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी वन इससे कट के वन अपान वी वन में कन्वर्ट कर देगा, ये भी वन अपान वी वन में कन्वर्ट कर देगा, ये वन अपान वी टू में कन्वर्ट कर देगा, दूसरा ओमेगा के स्क्वायर भी सब जगह से कट जाएगा। तो इससे क्या बनेगा ए वन का स्क्वायर अपान वी वन बराबर ए आई का स्क्वायर अपान वी वन बराबर ए आर का स्क्वायर अपान वी वन प्लस ए टी का स्क्वायर अपान वी टू। अब इसने वी वन को इधर भेज दीजिए वी वन को, तो बन जाएगा क्या वी वन अपान वी टू। इक्वेशन नंबर टू, अब आपको बेसिकली इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को सॉल्व करना है, तो आपको ए आर निकालना है ना, तो किसी एक कैबिनेट करेंगे तो आप क्या करेंगे ए आर की जगह पे कर सकते हैं, इसके इधर भेजिए तो ए टी माइनस ए हो जाएगा, तो इस ए आर की जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो इस ए आर की जगह पे ए टी माइनस ए आई का होल स्क्वायर, ए आर की जगह पे कर सकते हैं ए टी माइनस ए आई का होल स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो बन जाएगा क्या माइनस गेट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ए आई से आई कट जाएगा, ठीक है बनेगा ए टी ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा टू ए आई माइनस ए टी बनेगा ए टी का स्क्वायर वी वन अपन वी टू। अब देखें अब इसको हम लिख सकते हैं कितना ए टी इंटू ए आई का ट्वाइस, वही क्या बनेगा अब माइनस ए टी स्क्वायर, तो माइनस ए टी स्क्वायर इधर भेज दिए तो बनेगा ए टी का स्क्वायर कॉमन, ये बनेगा क्या वन प्लस वी वन अपान वी टू। तो यहाँ से एक ए टी कट जाएगा, अब बच गया ए टी। इक्वेशन आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ तक तो आपको दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है दिस वन इज तो यहाँ से बन गया क्या टू ए आई, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इससे ए टी की वैल्यू जो मैं आपको दिख नहीं रहा होगा आ रहा है ट्वाइस ऑफ वी टू अपान वी वन प्लस
वी टू इंटू ए आई, तो हमने ए टी को प्रूफ कर दिया। तो यही तो हमने प्रूफ किया था कि ए टी बराबर इतना होता है जो मैंने आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इस ए टी को उठा के इसमें रख देंगे तो इससे क्या जाएगा, ए आर का फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाएगा। चलिए मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए तो इस ए टी को उठा के यहाँ रखिए, तो इससे ए आर की वैल्यू आएगी, ए आर इज व्हाट, ए आर इज ए आई माइनस, नहीं ए टी माइनस ए आर इज ए टी माइनस ए आई, तो ए आई, तो ए टी का यहाँ पर रखिए तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ वी टू अपान वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई माइनस ए आई, तो ए आई कॉमन आ जाएगा तो बनेगा माइनस वन इंटू ए आई बन जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस वी वन बनेगा और क्या आएगा माइनस वी टू, तो कितना जाएगा वी टू माइनस वी वन अपान वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, और ये किसका है, ट्रांसमिटेड का। तो मैंने इस तरीके से आपको डिराइव करके दिखाया कि दो डिफरेंट मीडिया से रिफ्लेक्शन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है एम्पलीट्यूड का। ओके, थैंक यू।